इस क्वेश्चन में कह रहा है फिलिंग इन द ब्लैंक्स हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं तो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले उतार लेते हैं फर्स्ट पार्ट है हमारा माइनस नाइन अपॉन फाइव इज इक्वल्स टू डैश अपॉन ट्वेंटी डैश की जगह मैं ब्लॉक क्लिक बना रही हूँ इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन अपॉन ब्लॉक ईक्ल्स टू माइनस फोर्टी फाइव अपॉन ब्लॉक अब देखिए कैसे करेंगे अब अगर आप देखेंगे फाइव को ट्वेंटी बनाना है इक्वल लगा हुआ है बीच में तो ये सारी फ्रैक्शंस इक्वल है इक्विवेलेंट वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है इस कोश इस एक्सरसाइज का तो प्लीज़ उसको जरूर देख लें उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है या आप मेरी साइट डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ई लर्न मैथ डॉट इन पर जाए सिंपली क्लास क्लिक करें बुक क्लिक करें और किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं इसी एक्सरसाइज में मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रैक्शंस बनाने सिखाए थे क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में तो उसको जरूर देखें आप देखिए यहाँ पे इक्वल टू साइन है तो मतलब ये सारी फ्रैक्शंस इक्वल है आप देखिए यहाँ पे कैसे देखते हैं फाइव को किससे मल्टीप्लाई करूँ फाइव से, से ज़्यादा और ये वैल्यू तो फाइव को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ट्वेंटी आ जाए फोर से तो अब देखिए माइनस नाइन किसके इक्वल है डैश के तो हमने क्या किया है फाइव को फोर से मल्टीप्लाई किया है कि हमारा ट्वेंटी आ गया उसी फोर की हम क्या करेंगे ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे नाइन माइनस नाइन में तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस नाइन फोर जर थर्टी सिक्स तो हम यहाँ क्या लिख देंगे हम यहाँ ब्लॉक में लिख देंगे माइनस थर्टी सिक्स अब इसी तरीके से देखिए इस ब्लॉक को ये इक्वल लिखना है तो हमने क्या किया माइनस नाइन अपॉन फाइव इक्वल किसे लिख दिया ट्वेंटी सेवन अपॉन ब्लॉक तो अब देखिए अब ऊपर वाली वैल्यू देखिए तो ऊपर वाली को देखेंगे तो यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ प्लस की वैल्यू है तो हमने क्या किया हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ज़्यादा और ये वैल्यू तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी अब नाइन को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ट्वेंटी सेवन आ जाए थ्री से तो उसी माइनस थ्री की नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा देखिए माइनस माइनस प्लस नाइन थ्री ज़र ट्वेंटी सेवन यही आ गया अब देखिए प्लस माइनस माइनस फाइव थ्री जो फिफ्टीन तो यहाँ पे माइनस फिफ्टीन आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस फिफ्टीन आ जाएगा अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे माइनस नाइन अपॉन फाइव है वो किसकी इक्वल है ये वाली वैल्यू माइनस फोर्टी फाइव अपॉन ब्लॉक अब देखिए यहाँ पे भी माइनस साइन है यहाँ पे भी माइनस साइन है छोटी से बड़ी हो रही है वैल्यू राइट right? तो किस से मल्टीप्लाई करेंगे नाइन को हमने फाइव से मल्टीप्लाई किया तो फोर्टी फाइव आ गया उसी फाइव की नीचे मल्टीप्लाई हो गई तो फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव हो गया तो हमारा यहाँ कितना आ गया माइनस फोर्टी फाइव अपॉन ट्वेंटी फाइव इज़ द आंसर लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ सेकेंड पार्ट है हमारा माइनस सिक्स अपॉन इक्वल्स टू माइनस एटीन अपॉन ब्लॉक ईक्वल्स टू ब्लॉक अपॉन फोर्टी फोर अब देखिए माइनस सिक्स अपॉन इलेवन को हमें माइनस एटीन अपॉन ब्लॉक में क्या लिखेंगे ये देखना है तो देखिए यहाँ माइनस साइन है यहाँ पे भी माइनस साइन है और वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि एटीन आ जाए थ्री से तो उसी थ्री की नीचे मल्टीप्लाई हुई तो कितना आ गया इलेवन थ्रीजा थर्टी थ्री तो हमने यहाँ लिख दिया थर्टी थ्री अब इसी तरीके से अगर माइनस सिक्स अपॉन इलेवन देखें तो हमारा डैश अपॉन फोर्टी फोर आ रहा है तो देखिए अब नीचे वाली वैल्यू देखेंगे 11 को किससे मल्टीप्लाई करें क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 44 आ जाए 4 से तो उसी 4 की ऊपर मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया प्लस माइनस माइनस सिक्स ट्वेंटी फोर तो हमने यहां लिख दिया माइनस का 24 फोर अपॉन फोर्टी फोर इज द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट राशनल नंबर्स इनमें से कौन से पेयर्स इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के पेयर्स हैं ये बताना है तो फर्स्ट पार्ट है हमारा माइनस थर्टीन अपॉन सेवन एंड थर्टी नाइन अपॉन ट्वेंटी वन लेकिन माइनस का ट्वेंटी वन है राइट अब ये बताना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं कि नहीं हैं तो कैसे पता चलेगा तो देखिए अब अगर आप इन दोनों में देखें तो वन ही कॉमन है तो इसकी जगह हम इन दोनों को ले लेते हैं अगर हमारा ये दो नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में करके यही आता है तो हमारे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है अदरवाइज नॉट राइट हमेशा बड़ी वैल्यू लेके कर सकते हैं आप चाहें तो छोटी वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कि सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है या नहीं आ रहा है या बड़ी वैल्यू को सेम नंबर से डिवाइड करके देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है अगर सेम आ रही है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है अदरवाइज नॉट तो देखिए थर्टी नाइन अपॉन्ट ट्वेंटी वन माइनस का देखेंगे तो सबसे पहले हमारा यहाँ माइनस साइन न्यूमरेटर में है तो हम क्या करेंगे इस साइन को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके तो ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस थर्टी नाइन वनजेज थर्टी नाइन माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी नाइन वनजेज ट्वेंटी वन आप देखिए सेम नंबर से ऊपर नीचे कटता है कि नहीं कटता है तो ये दोनों नंबर थ्री से कैंसिल होते हैं तो थ्री से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा देखिये माइनस का थ्री वन जा थ्री 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 इ नाइन अपॉन थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन अब देखिये दोनों सेम नंबर्स आ गए तो हम यहाँ लिख सकते हैं येस अबव नंबर आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट इक्वलेंट रैशनल नंबर्स राशनल नंबर्स हैं आंसर लेट यू सेकेंड पार्ट नाउ अब सेकेंड पार्ट देखें थ्री अपॉन माइनस एट और माइनस सिक्स अपॉन सिक्सटीन क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं कि नहीं हैं तो देखिए अगर मैं थ्री अपॉन माइनस एट को देखती हूँ तो माइनस साइन डिनोमिनेटर में है तो हम क्या करेंगे माइनस साइन न्यूमरेटर में ले जाएंगे माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके तो ये कितना आ गया प्लस माइनस माइनस थ्री वन ज थ्री अपॉन माइनस माइनस प्लस एट वन जट अब अगर मैं इस नंबर को थ्री को सिक्स बनाना है तो कैसे करेंगे थ्री को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूँ और उसी टू को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा कितना आ जाएगा देखिए प्लस माइनस माइनस थ्री टू जिक्स एट टू जिक्सटीन तो माइनस सिक्स अपॉन सिक्सटीन ही आ गया तो so, हम यहां लिख सकते हैं यस अबव नंबर आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं आंसर लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ थर्ड पार्ट में कह रहा है नाइन अपॉन फोर क्या माइनस थर्टी सिक्स अपॉन माइनस के इक्विवेलेंट है कि नहीं है तो अब अगर देखेंगे आप माइनस थर्टी सिक्स अपॉन माइनस सिक्सटीन ले लेते हैं अब हमें पता है जब माइनस साइन ऊपर नीचे होता है तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं अब सेम नंबर से ऊपर नीचे कैंसिल करना है तो ये पता है कि फोर से डिवाइड हो सकते हैं दोनों नंबर्स क्यों फोर से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें छोटी वैल्यू लानी है थर्टी सिक्स से छोटी इसलिए डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा थर्टी सिक्स को फोर से डिवाइड किया तो नाइन आ गया सिक्सटीन को फोर से डिवाइड किया तो फोर आ गया तो देखिए सेम आ रही है ऊपर नीचे सेम आ रही हैं दोनों वैल्यूज तो हम लिख सकते हैं यस अबव नंबर आर द इक्विवेलेंट राशनल नंबर्स आंसर लेट यू नेक्स्ट पार्ट नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेवन अपॉन फिफ्टीन एंड माइनस ट्वेंटी एट अपॉन सिक्सटी आप देखिए अगर हम माइनस ट्वेंटी एट अपॉन सिक्सटी देखें तो ये सेम नंबर से डिवाइड होता है दैट इज फोर फोर से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा देखिए माइनस का 28 को 4 से डिवाइड किया 7 आ गया और 60 को 4 से डिवाइड किया तो 15 आ गया तो ये माइनस का 7 अपॉन फिफ्टीन आ रहा है अगर हम इसको ऊपर नीचे माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी हमारी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है क्यों क्योंकि ये पॉजिटिव राशनल नंबर है और ये नेगेटिव अबव नंबर्स आर नॉट ई क्यूवेलेंट रैशनल नंबर्स राशनल नंबर्स लेस यू नेक्स्ट पार्ट नाउ नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है थ्री अपॉन ट्वेल्व और माइनस वन अपॉन फोर तो अगर आप देखेंगे थ्री अपॉन ट्वेल्व को थ्री से डिवाइड करें अगर थ्री से डिवाइड करें तो ये कितना आ रहा है देखिए थ्री वन जो थ्री और थ्री फोर जो ट्वेल्व प्लस का वन अपॉन फोर आ रहा है लेकिन ये क्या है नेगेटिव रैशनल नंबर है तो अबव नंबर्स अबव नंबर्स आर नॉट इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट राशनल नंबर्स राशनल नंबर्स नहीं है आंसर लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ लास्ट पार्ट में कह रहा है टू अपॉन थ्री और थ्री अपॉन टू ये देखने से ही पता चल रहा है कि राशनल नंबर नहीं है तो हम ये लिख दें क्योंकि टू अपॉन थ्री को रेसिप्रोकल नहीं किया जा सकता न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं लाई जा सकती और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में नहीं लाई जा सकती तो इसलिए अबव नंबर्स आर नॉट इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स आंसर Let's do next question now.